देश में, खास करके अमित शाह जब से प्रभारी बने थे, आपको याद होगा 2014 में उन्होंने अति पिछड़ा पर अपना फोकस किया था और नॉन जाट और दलित पर फोकस किया था। तो सवर्ण मतदाताओं के अलावा ये दो समुदाय उनके कोर वोटर के रूप में उनके साथ शामिल हो गए थे। उन्होंने दो तीन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भरपूर साथ दिया। लेकिन जिस बात को मैं कहता रहा हूं कि ये जातियां हिंदुत्व की वजह से वहां नहीं गई थी, वो दरअसल प्रतिनिधित्व की राजनीति या भागीदारी की राजनीति की वजह से गई थी, और इन्हें समाजवादी पार्टी के उस सो कॉल्ड यादववाद के खिलाफ डराया गया था, इनको विभाजित किया गया था। ठीक वैसे ही जो नॉन जाटव गया था बीजेपी के साथ, उसे बीएसपी की जाटववादी, सो कॉल्ड जाटववादी पॉलिटिक्स के खिलाफ उसे भरमाया गया था, उसे डराया गया था। ये जो सोशल इंजीनियरिंग की थी अमित शाह ने, उसके जरिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चार चुनावों में जीत हासिल की। लेकिन इस समुदाय को मिला क्या उसके बदले? केवल मुखौटों के अलावा उसे कुछ और हासिल नहीं हुआ। आरक्षण से लेकर के रोजगार, ये सारी चीजें उसकी चली गई। शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई, उसका जो स्वास्थ्य का सवाल है वो भी पृष्ठभूमि में चला गया, और मिला वो झोला जिससे वो 5 किलो राशन में लग जाए। और रोज उसका अपमान जो हो रहा था, जो उसका सम्मान छलनी हुआ, वो फिर से विपक्ष की तरफ देखने लगा। लेकिन वो तब तक बीजेपी को नहीं छोड़ता है जब तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के मार्फत एक मजबूत स्थिति में आते हुए नहीं दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी बहुत मजबूत हो गई। जो नैरेटिव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू हुआ और एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी यहां दिखने लगी और लोग चर्चा करने लगे, उस वजह से वे समुदाय जो बीजेपी के साथ गए थे वो वापस लौटने लगे। और इसीलिए दारा सिंह चौहान की हार को मैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ की हार नहीं बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हार के रूप में देख रहा हूं। उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी वो अब फेल होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ आती हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं फिर कह रहा हूं, पिछले इलेक्शन में जहां बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, उत्तर प्रदेश उन्हें 26 पर आकर के सीमित कर देगा। ये पहला साइन है, ये संकेत है कि अति पिछड़ा और दलित वापस लौट रहा है। मायावती ने तो कहा था कि नोटा का बटन दबाए, लेकिन नोटा में उतना वोट नहीं गया है, वोट गया है समाजवादी पार्टी नहीं इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को, और वो इसलिए गया है क्योंकि कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। मैं ये बात दोहरा इसलिए रहा हूं कि जो सपा के साथ जाने में कंफर्ट नहीं था वो कांग्रेस के समर्थन के वजह से कंफर्ट हुआ और यहां गया। तो ये जीत केवल अखिलेश यादव की नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूं ये जीत वास्तव में इंडिया अलायंस की है। और अगर अखिलेश यादव ने इस बात को समझा और इंडिया अलायंस मजबूत हुआ उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी के पांव तले जमीन खिसक जाएगी और यहां से भारतीय जनता पार्टी के उखड़ने को न तो योगी आदित्यनाथ बचा पाएंगे और न ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी बचा पाएंगे। क्योंकि अब जब इस चुनाव में आप देखिएगा कि दो दो डिप्टी सीएम, सीएम से लेकर के अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, इन सारे छत्रपों को लगाया गया था, फिर भी चुनाव हारे। और इसका संकेत खुद ओम प्रकाश राजभर को मिलने लगा था। कल उन्होंने शिवपाल सिंह यादव की बड़ी तारीफ की, दारा सिंह चौहान भी शायद इस बात को भाप चुके थे। तो चीजें बदल रही है, लोगों का मानस बदल रहा है, लोग बदलाव करना चाहते हैं। बस दिक्कत यह थी कि उस समय उनको एक मजबूत विपक्ष नहीं मिल रहा था, अब मिल गया है, इसीलिए ये परिणाम आया है और ये आगे आने वाले परिणामों का भी संकेत है। जी राजू जी, जी आने वाले परिणामों का भी संकेत है। सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे समझूं, आप तो वहीं बगल में हैं।